श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा श्री राधा। देवर्षि नारद कृत श्री राधा जी का स्तुवन। एक समय नारद जी यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए हैं, वह वीणा बजाते हुए गोकुल पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने नंद जी के गृह में बालक का स्वांग बनाए हुए महायोगीश्वर दिव्य दर्शन भगवान अच्युत के दर्शन किए। वे स्वर्ण के पलंग पर जिस पर कोमल श्वेत वस्त्र बिछे थे सो रहे थे और प्रसन्नता के साथ प्रेम विह्वल हुई गोप बालिकाएं उन्हें निहार रही थीं। उनका शरीर सुकुमार था। जैसे वे स्वयं भोले थे वैसी ही उनकी चितवन भी बड़ी भोली भाली थी। काली काली घुंघराली अलके भूमि को छू रही थीं। वे बीच बीच में थोड़ा सा हंस देते थे जिससे दो एक दांत झलक पड़ते थे। उनकी छवि से ग्रह का मध्य भाग सब ओर से उद्भासित हो रहा था। उन्हें नग्न बाल रूप में देखकर नारद जी को बहुत ही हर्ष हुआ। उन्होंने नंद जी से कहा, तुम्हारे पुत्र के अतुलनीय प्रभाव को जो नारायण के भक्तों का परम दुर्लभ जीवन है इस जगत में कोई नहीं जानता। शिव ब्रह्मा आदि देवता भी इस विचित्र बालक में निरंतर अनुराग रखना चाहते हैं। इसका चरित्र सभी के लिए आनंददायी है। अचिंत्य प्रभावशाली तुम्हारे शिशु में स्नेह रखते हुए जो लोग इसके पुण्य चरित्र का सहस्त्र गान श्रवण तथा अभिनंदन करेंगे उन्हें कभी भव बाधा न होगी। गोपवर, तुम परलोक की इच्छा छोड़ दो। अनन्य भाव से इस दिव्य बालक में अहेतुक प्रेम करो। यह कहकर मुनिवर नारद जी नंद भवन से निकले। नंद ने भी विष्णु बुद्धि से मुनि को प्रणाम करके उन्हें विदा दे दिया। इसके बाद महाभागवत नारद जी यह विचारने लगे कि भगवान की कांता लक्ष्मी देवी भी अपने पति नारायण के अवतीर्ण होने पर उनके विहारार्थ गोपी रूप धारण करके कहीं अवश्य ही अवतीर्ण हुई होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः ब्रजवासियों के घरों में उन्हें खोजना चाहिए। ऐसा विचार कर मुनिवर ब्रजवासियों के घरों पर अतिथि रूप में जाकर उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। उन्होंने भी गोपों को नंद नंदन में उत्कृष्ट प्रेम देखकर प्रेम मन ही मन सबको प्रणाम किया। उसके बाद वे नंद के मित्र महात्मा भानु के घर गए। उन्होंने देवर्षि नारद की विधिवत पूजा की। तब महात्मा नारद ने उनसे पूछा, साधो, तुम अपनी धार्मिकता के कारण विख्यात हो, क्या तुम्हें कोई सुयोग पुत्र अथवा सुलक्षणा कन्या है जिससे तुम्हारी कीर्ति समस्त लोकों को व्याप्त कर सके? मुनिवर के ऐसे कहने पर भानु ने पहले तो अपने महान तेजस्वी पुत्र को लाकर उनके नारद जी को प्रणाम करवाया, तदंतर अपनी कन्या को दिखलाने के लिए नारद जी को घर के अंदर ले गए। घर में प्रवेश कर उन्होंने पृथ्वी पर लौटती हुई नन्ही सी दिव्य बालिका को गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्र स्नेह से विफल हो रहा था। कन्या के अदृष्ट तथा अश्रुतपूर्ण अद्भुत स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त नारद जी मुग्ध हो गए। वे एकमात्र रस के आधार परमानंदमय समुद्र में गोते लगाते हुए दो मुहूर्त तक पत्थर की भांति निश्चेष्ट बने रहे। उनमें कोई सुध-बुध नहीं रही। फिर उन्होंने जब आंखें खोली और महान आचर में पड़कर
मूक भाव से ही बैठे रह गए। अंत में महाबुद्धिमान मुनि ने मन में इस प्रकार विचारा। नारद मुनि विचार कर रहे हैं मन में कि मैंने स्वच्छंदचारी होकर समस्त लोकों में भ्रमण किया, परंतु इनके समान अलौकिक सौंदर्यमय कन्या कहीं भी नहीं देखी। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक में भी मेरी गति है, किंतु इस कोटि की शोभा का अंश भी मुझे कहीं नहीं दिखा। जिनके रूप से चराचर जगत मोहित हो जाता है, उस महामाया भगवती गिरिराज कुमारी को भी मैंने देखा है, वह भी इसकी शोभा नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति और विद्या आदि देवियां इनकी छाया भी स्पर्श कर सकती हूँ ऐसा भी नहीं देखा जाता। अतः इनके तत्व को जानने की शक्ति मुझ में किसी तरह नहीं है। अन्य जन भी प्रायः इस हरिवल्लभा को नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से गोविंद के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है, वैसी इसके पहले कभी नहीं हुई। अस्तु, अनन्य वैभव दिखाने वाली इस देवी को मैं एकांत में वंदना करूं। इसका रूप भगवान श्री कृष्ण के लिए परमानंद जनक होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप प्रवर भानु को कहीं अन्यत्र भेज दिया और एकांत स्थान में वे इस दिव्य रूपिणी बाला की स्तुति करने लगे। देवी, अनंत कांतिमयी महायोगेश्वरी, तुम्हारा अंग मोहन एवं दिव्य है, उससे अनंत मधुरिमा की वर्षा होती है। तुम्हारा हृदय महान अद्भुत रसानंद से पूर्ण रहता है। तुम मेरे किसी महान सौभाग्य से आज नेत्रों की अतिथि बनी हो। देवी, तुम्हारी दृष्टि अंतःकरण में निरंतर सुखदायिनी प्रतीत होती है। तुम अपने अंदर महान आनंद से तृप्त सी दिख पड़ती हो। तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर तथा सौम्य मुखमंडल हृदय को सुख देने वाले किसी महान आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है। अत्यंत शोभमयी तुम रजोगुण की कलिका और शक्ति रूपा हो। सृष्टि, प्रलय और संहार रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। तुम विशुद्ध सत्वमयी तथा विद्या रूपिणी पराशक्ति हो। परमानंद संदोहमय वैष्णव धाम को धारण करती हो। ब्रह्मा, रुद्र के लिए भी तुम्हारा जानना कठिन है। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। तुम योगेश्वरों के भी ध्यान पद का कभी स्पर्श नहीं कर सकती। मेरी बुद्धि में तो ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, यह सब तुम्हारी अंश मात्र हैं। माया से ही विशुद्ध रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो अचिंत विभूतियां हैं, वे सभी तुम्हारी अंशांश मात्र हैं। ईश्वरी, तुम निसंदेह आनंदमय शक्ति हो। अवश्य ही वृंदावन में तुम्हारे साथ श्री कृष्णचंद्र क्रीड़ा करते हैं। कुमारा अवस्था में ही तुम अपने सुंदर रूप से विश्व को मुग्ध कर रही हो। न जाने यौवन का स्पर्श होने पर तुम्हारा रूप लावण्य तथा हास विलास युक्त निरीक्षण कैसा विलक्षण है होगा। हरि वल्लभे, तुम्हारे उस पूजनीय दिव्य स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ, जिससे नंद नंदन श्री कृष्ण मुग्ध हो जाएंगे। हे महेश्वरी माता, मुझ शरणागत तथा प्रणत भक्त के लिए दया करके तुम अपने स्वरूप को प्रकट कर दो। हे किशोरी जी, अपने स्वरूप को प्रकट कर दो। यो वंदना करके नारद जी ने तदर्पित चित्त से उस महानंदमयी परमेश्वरी को नमस्कार किया और भगवान गोविंद की स्तुति करते हुए उस देवी की ओर देखते रहे। जिस समय वे श्री कृष्ण का नाम कीर्तन कर रहे थे, उसी समय भानुसुता ने चतुर्दशवर्षीय अर्थात 14 साल की परम लावण्य में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण कर लिया। तत्काल ही अन्य ब्रज बालाओं ने
जो उन्हीं की समान अवस्थाओं की थी तथा दिव्य भूषण सुंदर हार धारण किए हुए थी। बाला को चारों ओर से आवृत कर लिया, किशोरी जी को चारों ओर से घेर लिया। उस समय बालिका की सखियां अपने उनके चरणोदक की बूंदों से मुनि को सींच कर कृपा पूर्वक बोली, महाभाग मुनिवर, वस्तुतः आपने ही भक्ति के साथ भगवान की आराधना की है, क्योंकि ब्रह्मा रुद्र आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्तों के लिए जिसका दर्शन मिलना कठिन है, उसी अद्भुत वयो रूप संपन्ना विश्व मोहिनी हरिप्रिया ने किसी अचिंत्य सौभाग्यवश आज आपके दृष्टिपथ पर पदार्पण किया है। हे ब्रह्मर्षे, उठो उठो, शीघ्र ही धैर्य धारण करके इसकी परिक्रमा तथा बार बार इसे नमस्कार करो। क्या तुम नहीं देखते कि इसी क्षण में यह अंतर ध्यान हो जाएंगी, फिर इसके साथ किसी तरह तुम्हारा संभाषण नहीं हो सकेगा। उन प्रेम विवला सखियों के वचन को सुनकर नारद जी ने दो मुहूर्त तक उस सुंदरी बाला की प्रदीक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद भानु को बुलाकर कहा, तुम्हारी पुत्री का प्रभाव बड़ा है, बहुत बड़ा है, देवता भी इसका महत्व नहीं जान सकते। जिस घर में इसका चरण चिन्ह है वहां साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं, समस्त सिद्धियों सहित लक्ष्मी भी वहां रहती हैं। आज से संपूर्ण आभूषणों से भूषित इस सुंदर कन्या की महादेवी के समान यत्न पूर्वक घर में रक्षा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मर्षि श्री नारद मुनि जी हरि गुण गाते हुए चले गए। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।